तेरा ही दरबार सच्चा बाकी। तो मतलब इतना मजा आया एटीडी चला के, इतने एडवेंचर किया, निशा ने भी चलाई फर्स्ट क्लास मजा आया। सिमरन को बोल रहे जाने को, सिमरन गई नहीं। अब हम लोग निकल गए हैं डेजर्ट सफारी के लिए, तो भाई साहब मजा आने वाला है ना बहुत ज्यादा है। अब आपके हाथ में कैसे मजा दिलाओगे आप? अरे मजा तो दिलाना है जितनी उतरो जितनी तेज चला सकते हो चलाना, ठीक है? तो ये देखो अब स्टार्ट हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। मैं उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, कह रही है भैया रामचंद्र मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है। चलो करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम नहीं डरते पुलिस पुलिस से कोई। तो ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए चलते हैं भैया से वॉकी और टॉकी पे। आगे ड्राइवर ये पूरे कनेक्टेड है आपस में, तो पूरी गाड़ी चल रही है मजेदार। ओए उड़ाओ बंदा है यार, ये तो पलट गया। ओए क्या उतरी गाड़ी, ओए ओए ना पलने है इमा, मजा आ रहा है ना। सिमरन जी दो बार पादे, तीसरे बार पोटी निकली है। ये देख गाड़ी नीचे आई है, देखो ओए दस्त किया हार्ट बार आ जाएगा भाई, हार्ट बार आ जाएगा, हार्ट कैसे बार आएगा दिखाओ जरा। ओए वो देखो क्या टेढ़ी हो रही गाड़ी, वो देखो ओए होए ओए होए ओए होए मजा ओए होए वाओ। देखो किमा कितना एंजॉय कर रही है ना, किमा छोटा बच्चा डर रही है, डर रही है, मां डर रही है, देखो ओए पलटी पलटी कौन सी डेड जोन होती है बताना जरा, तो इशू ज्यादा पता है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओए होए होए गाड़ी देखो हमारी भी ऐसे हो गई, ओ भाई साहब इधर एयरबैग लगाओ, टेंशन मत लो, एयरबैग लगाओ उसमें। ठीक है 6 महीने लगेंगे, ना पानी ना कुछ, बिच्छू सांप अलग मिलेंगे। भाई साहब रेगिस्तान में बिच्छू सांप होते नहीं होते ये बताना, क्यों जी होते है ना। ये वही 4 व्हील ड्राइव भाई साहब, अब मजा आया। अब डाली भाई साहब ने 4 व्हील पे, कैसा कर रहे हो यार, ओ भाई साहब क्या मजा यार ये तो। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, वापसी सिमरन को आगे बिठाएंगे हम, पूरा व्यू मिलेगा। ओ पपिया आइए,
अगर भागे बना रहे आपको बनी जा रहे हो दिख नहीं रहा क्या क्या तो क्या होता है रेड जोन नहीं है ये देखो देखो आत्मा निकलेगी सीधा तो भाई साहब मजा आ रहा नहीं आ रहा ये बताओ बहुत आ रहा है क्यों बात कर रहे हो बहुत आ रहा है सिमरन की हालत टाइट कीमा के मजे आ रहे हैं सैस के मजे आ रहे हैं ईशु गुरु तो वाकई बड़े मजे कर रहे हैं भाई साहब चला के मजे कर रहे हैं अबे वो मेरी बात सुनो ईशु कहने वाले 2 करोड़ की गाड़ी पलटी कर देगा क्या अरे मम्मी बॉम्बे बैठी है चल के जाए भाई साहब ये देखो भाई जाती है हमने पहाड़ों पे कैसे एटीवी चलाई थी बता निशा भाई ऐसा सरका नहीं है सामने वाला ऐसा प्लीज प्लीज देखो ऐसा सरका है उसने अच्छा यार प्लीज जैसा हम चुप है जा भाई चुप है थोड़ा सरकते हुए जानी चाहिए सड़क घसड़ दे हां साइड में घसा दे भी उसकी गाड़ी खराब हो जाएगी ऐसा नहीं गाड़ी खराब हो जाएगी उसकी नहीं आपको बता दूं साइकिल खराब हो जाती है उसकी गाड़ी खराब हो जाएगी भाई साहब फन है मजा आ रहा है इतना क्या बताऊं आपको मैं बिलीव मतलब बता नहीं सकता अपनी फीलिंग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता पीछे से आवाज नहीं आ रही कोई आपकी आपकी मम्मी भी आई थी बताओ मम्मी को याद कर रहे हो किमा को मजा आ रहा है किमा हंसी जा रही है ना किमा हाँ भाई देखो आगे देखो सिमरन रोपड़ी ये जंप हुई नोनी करिए दिखाओ शक्ल अरे बाकी रो रही है यार अबे रो मत अरे नहीं रो रहे ना कुछ बोले अबे रो रही है इधर से श्रीमती एक रास्ता है जो सीधा दिल्ली गुरु मट्टा ईशु मट्टा यार रो रही है फालतू पागल है तू ऐवे ड्राइवर है कुछ भी नहीं तू ड्राइवर है फालतू में क्या दिख रहा है दुनिया जा रही है आप अकेले जा रहे हो क्या हार्टबीट हो रही है टायर निकल के पड़े हुए टायर निकल के पड़े हुए राइट साइड में यार गुरु मत आया इशू पागल है तू यार अबे कुछ नहीं है तो आपकी सीट में एयर बैग लगा हुआ है चिंता मत करो आईसी कितने गई आप लोग चुप हो जाओ क्या चुप हो जाओ बंद करो मैं पागलों छोटे बच्चों को लेके आऊंगा जो छोटे बच्चों को मेरे को मत लाना यहाँ से हेलीकॉप्टर मिलता है उसको हेलीकॉप्टर भेज दो वो डरा ज्यादा नहीं और कुछ आता इनको मामा जी गाड़ी बिठाएंगे सिमरन उनको उस साइज के पापा को यहाँ बिठाएंगे एक काम होने आता है सिमरन को आगे बिठाएंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा आपको नजर आएगा सब अरे भैया ऊपर रोकोगे ना फोटो के लिए हाँ भाई ये इतना डर होता नहीं है जा रही है किमा को मजा आया इसमें मजा आया ना गाड़ी में किमा को बहुत सारा देखो आया मजा और इसको नाम क्यों मत लू फोटो प्लीज तू लाल क्यों हो रही है लाल क्यों हो रही है
बना रहे मामा जी, पूरा ब्लॉग बनाया देख रहे हो मामा जी। हाँ जी, आप बॉम्बे में देखते हो जहाँ जहाँ तक नजर रहती समुद्र होता है, यहाँ जहाँ जहाँ नजर देखो रेती रेत दिखेगी आपको, रेगिस्तान है रेगिस्तान। क्यों मामा जी, आ रहा मजा? पूरा रेगिस्तान। और जो गाड़ी चलाई हो, हमारे को भी दिख रही थी। और मामी जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? टन काय का है, जो जहाँ लिखी है वो होनी है, टन काय का है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? चुप कर, अरे प्रैक्टिकल बनो मामी जी। हाँ जी, रेगिस्तान नजारे ले रहे हो, मजा आ रहा है, दूर दूर तक रेत ही रेत, बहुत बढ़िया, और कुछ है ही नहीं, पूरा रेत 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 सब जगह। अच्छा देखो ना, बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर, मजेदार है ना। एक बार दुबई जरूर आओ, आओ बिल्कुल। क्यों भाई, शाही का है? बहुत अच्छे है, मजा आ रहा है ना। तो ये इनका फोटो शूट नहीं खत्म हो रहा। हाँ वो देखो गड्डी, अभी डरना मत, अभी मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। अभी सिमरन एंजॉय कर रही है, अब उसका डर खुल चुका है पूरा पूरा। ओए होए होए, मजा आ गया। अरे कोई डर नहीं है, मत पकड़ो। तो वीर जी मजा आ रहा है? हां जी सर जी, वीर जी अरे बहुत मजा है जी, बहुत मजा है। उससे मजा नहीं आ रहा है जी। अरे वो तो डर से ज्यादा मामा जी का डर से। ओए ओए ओए, ये गलत करे मेरे साथ। अबे रोड पे जा रहे, रोड है क्या गलत करा फिर? सीधा सीधा गाड़ी में हुआ जाएगा। अभी भी है, अभी थोड़ा कस के बैठना, अभी सफारी तो नहीं है, गाड़ी को हम लोग कैंप साइड पे। अच्छा, तो ये तो रास्ता वाला कैसा है अभी? हां, क्योंकि अभी यहां पर हवा टायर पे फुल है, इसलिए फंसने का चांस ज्यादा, इसलिए मुझे। अच्छा, गाड़ी फंस सकती है? तो वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी स्पीड से चलानी पड़ेगी, गाड़ी फंस सकती है, तो शोर मत मचाना। गाड़ी फंसे ना, गाड़ी फंस गई तो ये रुकना पड़ जाएगा, जा रहा है ट्रेन में, पता नहीं कब आएगी। तो आप मजे लेते रहो रेगिस्तान में ड्राइविंग की। वो देखो कैसे चला रहा है भाई, मजे में। मामा जी की हालत, मामा जी की हालत टाइट है पीछे। पप्पू मामा जी क्या होगा आपका? मामा जी की हालत टाइट हो रही है, वो क्या मजे में गाड़ी। मामा जी आते थे कभी दुबई आई गई, मुझे लगता है वो भाई मजे में चला रहे। मामा जी तो एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छा लगा। क्या बोल रहे तू, किसकी बात कर रहा है? मैं तो गुरु की बात कर रहा हूँ। अच्छा गुरु, मैं सुन रही हूँ, डायपर पहना ना तूने? वो नहीं, दोबारा आएंगे साथ। वो डर आपको इसलिए लग रहा था क्योंकि ईशु ने आपको डराया हुआ था। अच्छा डायलॉग किमरन कितनी खुश लग रही है, मैं शायद ही किमरन ने कभी इतना एंजॉय किया होगा ना, कि मैं कभी एंजॉय नहीं कर रहा था। मजा आ रहा है ना? कौन सा डायलॉग कौन बोलेगा? पूरी ऑफ रोडिंग भाई साहब। ओए होए ओए होए, छोटी बच्ची मानो देखो, छोटी बच्ची मेरे बाजू में, छोटी बच्ची बेटी को इतनी मजेदार है।
अभी हम कैंप में जा रहे हैं, कैंप में डिनर वगैरह सब कुछ फ्री है, और ये है कि जिस गाड़ी में जैसे जैसे बैठे हो वैसे वैसे चलना, क्योंकि हमारी सेफ्टी इनके हाथ पे है। बिल्कुल बोलो, ठीक ठीक सर। तो और क्या बोल रहे थे आप? हाँ, आगे थोड़ा रास्ता थोड़ा सा खराब है गाड़ी में, हवा जो पहले तो कम रखी थी अब हवा पूरी फुल कर दी है गाड़ी में, और रोड थोड़ी सी रिस्की है एक तरह से, क्या भी सकते हो आप, जंपिंग ज़्यादा है और थोड़ी खतरनाक है। आपको दिखाऊंगा मैं जैसे भी है, पर मेरे साथ साथ आप भी इंजॉय कर रहे हो ये मुझे भी पता है। और हमारी मैडम महारानी कैसी इंजॉय कर रही है? महारानी इंजॉय कर रही है, रो के हंस के नहीं, रो के। ठीक है ठीक, पहली गाड़ी 4x4 में है। फिर चल रही तेज चल रही गाड़ी हो गया ना, पहले आपने टेंशन ना ले ली थी, अभी तो सही है। क्यों भी इशू? मैं क्या एक बियर मार लियो अपनी को जाएगा। इतने म्यूजिक आएगा बेटे। धीरे ही मामा जी फिर। अरे नजारा का नजारा। मजा आ गया ना? फर्स्ट टाइम इन लाइफ, इतना जबरदस्त। बहुत मजा आया कदम से। ऐसी गाड़ी चलते थे, पलटी होती है गाड़ियां बची हैं। हाँ, पर पलटी होती नहीं। पलटी होगी लेकिन नहीं। होती नहीं। मजा आ गया। दस रही है। हाँ, गाड़ियां थे मिट्टी बहुत रहा जी। आओ आओ मामा जी। कि मैं कार में मजा आया आपको? इंजॉय किया आपने कार में? थोड़ा सा या बहुत सारा? ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो अभी हम डेजर्ट सफारी के लिए आए हैं कैंप में, यहाँ पर बैले डांस होगा और उसके बाद थोड़ा शो वगैरह, फिर खाना पीना है, खाना पीना खा के फिर यहाँ से 9 बजे तक निकलेंगे बता रहे हैं वो, फिर जाके होटल सोएंगे। कल हमने अबू धाबी जाना है वहाँ पे वाटर पार्क में, तो वो भी आप। हाँ जी मामी जी, डांस करोगे साथ में? हेलो, हाँ जी बेटी, मजा आ रहा है? अरे बहुत एंजॉय कर रहे हो ना? हाँ भाई, फुल एंजॉय। अरे मजा नहीं लाइफ। मजा पता है कब आएगा? हाँ। जब तू स्टेज पे गाना गाएगा। यहाँ पे वही हमारा वाला गाना। अरे तब समझेगा, बोल गाले यार। भाई तू गाले, मजा आ जाएगा। भाई मेरी बात सुन, मैं तो कह रहा हूँ एक गाना गाले स्टेज पे। तो सैज कह रही है उसको बाल ऐसे कराने हैं। आपने तो बोला अभी, आपके पापा बोल रहे हैं। पापा जी नहीं,
बोलिया बोलिया नहीं बोलिया नहीं बोलिया बिल्कुल भी नहीं मैं तो सुनिया थी पगड़ी उस कलर दी हो सकती है अच्छा अच्छा तभी मैच कर रहे हो पड़ेगी बात को मिलेगा नहीं कुछ ये डिनर लगा हुआ है क्या भाई बिरयानी ठीक है रोटी अभी डेजर्ट वाली से निकले हैं बहुत इंजॉय हुआ बहुत अच्छा शो था बस एक दिक्कत थी खाना अच्छा नहीं लगा बाकी सब कुछ अच्छा था बाकी बस अब जा रहे हैं होटल की तरफ को टाइम यहाँ पे अभी इस टाइम पे 9:20 हो रहा है इंडिया में तो 11:30 हो रही है रात हो गई है तो अब व्लॉग को मैं यही एंड करूँगा क्योंकि होटल जाके एडिट भी करना है और रात को सोते होते बहुत टाइम हो जाएगा सुबह फिर नई जगह जाना है दो दिन से मैं प्रॉपर सोया भी नहीं तो इतना मज़ा आया आज मतलब क्या बताऊँ आपको सिमरन की हालत क्या हुई आप कल व्लॉग में देखना और वाकई बहुत शानदार हाँ देख चुके होंगे मतलब वो समझ गए मेरे गलत बोल गया ठीक है अपने 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 अलवाज वापस लेता हूँ मैं तो बाकी सिमरन की शक्ल अभी देख लो अभी खुश है ठीक है ना भाई तो बाकी आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना सब्सक्राइब करना और कमेंट करना सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे पता है अच्छा लगा ही लगा आपको तो कमेंट करके मुझे व्यूज अपने जरूर देना कि कैसा लगा आपको पता है कि उनको अच्छा लगा भाई फिर भी पूछ रहा हूँ ना मैं उनसे आपने बोला मुझे पता है कि उनको अच्छा लगा हाँ तो भाई वो अच्छे से लोग कमेंट कर रहे हैं इसे बता रहा मुझे नहीं ये वाला लोग अच्छा लगेगा देख के तभी तो लास्ट में पूछ रहा हूँ पक्की बात देख लो चैलेंज है अब गुरु ने चैलेंज दिया है और कमेंट करके बताना जरूर ये नहीं है कि ना बताओ क्या बताएंगे कि व्लॉग कैसा लगा अच्छा जितने ज्यादा कमेंट आएंगे गुरु भाई फिर एक बढ़िया गाना गाएगा कल ठीक है ना डन है कल रात को एक आपको बड़ा बढ़िया गाना सुनाएगा हम लोग जो अपना अपकमिंग गाना है हाँ उसके बाद सुनाएंगे थोड़ा सा कुछ सुनाएंगे थोड़ा सा उसका वर्ड सुनाएंगे ठीक बात yes, है पर जितने ज्यादा अगर 200 से ऊपर कमेंट आएंगे तो ठीक रहेगा ना ये 200 की ज्यादा और ज्यादा नहीं 200 दे दे कोई बात नहीं 200 चलो सिमरन कह रही 300 पर मैं कह रहा हूँ 200 से ज्यादा कमेंट आएंगे तो गुरु कल बड़ा शानदार गाना सुनाएगा रानी की बात सुननी है रानी ने जो बोला वही होता है 300 या 3000 जो भी होता है इंडिया में तो नहीं होता दुबई में आके हो जाता तो आप पूछोगे ना कि रानी हम क्यों बोलते हैं सिमरन को ये रानी भी आपको गाना देखोगे ना पूरा गाना आएगा गाने में आपको पता लगेगा रानी क्यों बोलते हैं क्यों भाई बात तो सही है ये बात है मतलब गुरु ने इतना सो समझ गाना लिखा है ना एक एक वर्ड मेरे ऊपर फिट बैठता है ना उसको पता है उसकी बचपन से ही प्रिंसेस अरे उसने चीजें के ऊपर लिखा गाना प्रिंसेस मेरी लाइन तो नहीं सबके ऊपर ना सबके ऊपर मेन आप सबके साथ हो तो ही हो हां ये बात तो सही है पहले कुछ भी नहीं हो बहुत जल्दी गाना आने वाला है बहुत जल्दी बस शायद हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले आ जाए हो सकता है पर हम दिल्ली पहुंच के ही डालेंगे गाने को क्योंकि दुबई का व्लॉग भी में चलेगा अभी थोड़ा सा करेंगे डिले कुछ रीजन के वजह से तो रीजन बताई देते हैं ना बता देखो ना अच्छा अभी नहीं चलो ठीक है मतलब जो भी होगा आपको दिल्ली पहुंच के फाइनल बता देंगे जैसे भी होगा सिचुएशन में डिपेंड करता है अभी तो बाकी यहाँ तक आपने व्लॉग देखा है तो प्लीज लाइक करना सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कल फिर मिलते हैं नई दिन के साथ नई वीडियो के साथ अभी के लिए बाय गुड नाइट टेक केयर बाय 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 रानी बाय बोल शायद तो बोल ही नहीं रहा कि मैं लॉग इन करो थैंक यू फॉर वाचिंग लाइक सब्सक्राइब कमेंट फॉलो गुड नाइट